वहीं पखानजूर में आजादी के 7 दशक के इंतजार के बाद भी ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हालात ये हैं कि गांव में योजनाओं और सुविधाओं को लेकर ग्रामीण परेशान हैं। इलाके में कई सड़कों का निर्माण कार्य किया गया, लेकिन निर्माण कार्य में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में जो भी कार्य किया गया उसमें भारी अनियमितता बरती गई। परतापुर से कोयलीबेड़ा तक टोटल 32 किलोमीटर का रोड बनना है, उसमें से टोटल 6 जवान शहीद हुए हैं विभिन्न प्रकरण में और जवान भी घायल हुए हैं। परतापुर से माला तक 6 किलोमीटर का रोड और काफी यहाँ पर ग्रामीण परेशान हैं, क्योंकि उन्हें इतने दिनों के बाद कुछ सड़क मिल रही थी, वो भी सड़क अब मिली भगत की भेंट चढ़ गई है, यानी कि सड़क में गड्ढे हो गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सड़क की हालत क्या हो रखी है, और इस सड़क को बने हुए ज्यादा वक्त भी नहीं बीता है, सड़क में गड्ढे हो गए हैं और सड़क टूटने लगी है। अब ऐसे में सभी ग्रामीण जो है वो अब आरोप लगा रहे हैं कि इसमें भारी अनियमितता बरती गई और घटिया निर्माण किया गया। ग्रामीणों को अब जो सुविधाएं हैं लगातार वो उनकी शिकायत कर रहे हैं जनप्रतिनिधि से भी, और इस रोड जिसने बनाई थी ठेकेदार उस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने इस सड़क का निर्माण बहुत ही घटिया सामग्री से किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं नई सड़क है जिसपे शायद एक वाहन के गुजरने के बाद ही ये सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। और जिस तरह से सरकार लगातार ग्रामीणों के विकास के लिए पैसा भेजती है, वो ऐसे ठेकेदारों की मिलीभगत से और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी या फिर जिस सड़क निर्माण कंपनी की मदद से ये पैसा खुर्द-बुर्द किया जाता है और जनता को सिर्फ सड़क के नाम पर धोखा परोसा जाता है। सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार इस गांव में देखने को मिला। 32 किलोमीटर की यह सड़क का निर्माण बताया जा रहा है। अभी यहां तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कार्यालय विभागीय अधिकारी से भी इस मामले को लेकर शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही ठेकेदार के खिलाफ ना ही सड़क के मरम्मत का कोई कार्य किया गया है। 32 किलोमीटर सड़क निर्माण का पूरा प्रोजेक्ट है, लेकिन यहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच जवानों के बीच रोड बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी रोड इतनी घटिया किस्म की गुणवत्ताहीन ये सड़क बनाई जाती है जो कि बारिश का भी इंतजार नहीं कर पाए, उससे पहले ही खराब होने लगी है। परतापुर से कोयलीबेड़ा तक टोटल 32 किलोमीटर का रोड बनना है, उसमें से टोटल 6 जवान शहीद हुए हैं विभिन्न प्रकरण में और जवान भी घायल हुए हैं। आप ये तो सुन सकते हैं कि किस तरह से ये अधिकारी बोल रहे हैं कि जो परतापुर से कोयलीबेड़ा तक की 32 किलोमीटर की सड़क का कार्य चल रहा है जिसमें कई जवान शहीद भी हो चुके हैं। इस सड़क को बनाने में, क्योंकि यहाँ पर लगातार नक्सली मूवमेंट रहता है इसलिए जवानों की सुरक्षा के अंतर्गत ही रोड बनाए जाते हैं, उसके बावजूद भी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर परतापुर से कोयलीबेड़ा की सड़क के हाल क्या है। अभी पूरा निर्माण भी नहीं हो पाया है, सड़क फिर से ही कच्ची सड़क में तब्दील हो गई है। सिवनी मालवा में